के बारे में एक्साइटेड है? नर्वस क्यों होगा? कितना एक्साइटेड? खुश हूँ और अच्छा है, फिल्म अच्छी बनी है और देखते हैं, जस्ट वेटिंग। और काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग इस फिल्म का। मुक्काबाज के पहले शूट हुई है ये फिल्म, तो आई एम रियली एक्साइटेड, हैप्पी फॉर द टीम और सबके लिए। मैं खुद के लिए भी बहुत खुश हूँ। हाँ, ये एक अलग तरह का किरदार है जिसका नाम है मिलन शुक्ला और बिल्कुल अलग है, ऐसा मैंने पहले नहीं किया था। बाकी आप देखिए और लोगों से पूछिए, वो लोग बताएं, मैं मेरी तारीफ क्या करूँ। ओके हाँ, गोल्ड आएगी 15 अगस्त को, अक्षय सर की फिल्म है, वो है इसके बाद। ग्रेट ग्रेट। हाँ अक्षय सर के साथ बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं और उनके साथ एज एन एक्टर बहुत सारे सीन हैं और करने में बड़ा मज़ा आया। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई अलग तरह की फीलिंग मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं लगा। और एक बड़ा शेड्यूल था यूके में 3 महीने का, उसके बाद पंजाब में एक बड़ा शेड्यूल था। फिल्म पूरी हो चुकी है, काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है, अब इससे ज़्यादा अभी ना बताऊँ तो अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। I'm really happy because this film actually was shot 2 years ago, and आपको पता है कभी-कभी फिल्में बहुत सारे reasons के से अटक जाती हैं, and सुधीर सर is an amazing filmmaker. मुझे खुद उनकी फिल्मों उनकी फिल्में देखने का एक, वो बहुत कम फिल्में बनाते हैं तो हम उनसे कहते रहते हैं कि प्लीज़ मेक मोर फिल्म्स मोर ऑफन सो दैट वी कैन वॉच देम। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस फॉर सुधीर सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज एंड आई नो आई वर्कड इन इट बट आई एम ऑल्सो आई थिंक आई एम अ बिगर फैन ऑफ सुधीर सर, सो आई वांटेड टू कम आउट फॉर सुधीर सर एंड फॉर दिस अमेजिंग स्क्रिप्ट दैट ही इज रिटन, सो आई एम हैप्पी इट्स रिलीजिंग। हाय ma'am, what was your experience working in the film? Aditi ma'am, what was your experience working in the film? Bhai idhar se bhi to chal raha hai na ma'am, what was it like? Hello 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 ma'am, what was your experience working in the film? Shut up. bahut achhi baat puchi. Ha kaisa tha aapka experience, hame bataiye. Huma mere ko interview main interview karna chahti hu. मेरा गला बैठा हुआ है बट अब मेरा भी, मैं वैसे सोई नहीं हूँ करीब आई थिंक 1 साल, फिर भी मैं ऐसे दिखती हूँ। देखिए Come ask, okay. Why don't you ask her? My experience was wonderful. She is. My working on this film was wonderful. I had a blast. I think I've essayed my role as Chandramukhi really well in the film. अच्छा, so it was basically I think मैंने कभी सुधीर सर मुझे हमेशा ऐसा रोल देते हैं where I can't imagine myself in that part, but I think that's the whole excitement of it. So I hope that it has worked out because I have totally gone with his vision and I enjoyed playing it. It's very different from what I imagined, but I think Sudhir sir सब कुछ अपने सर पे उलट देते हैं तो मज़ा आता है। Would you like to share the work process of Sudhir? I have never worked with him. I would love to work with him. He is one of the most senior, most respected writers, directors of our country. And I think, you know, as an actor, it's a pleasure to be directed by him because I feel, and Aditi, of course, this is the second film, right? Yeah. Second film she's worked. So I'm very jealous. I think I have, you know, he's more like a friend, father figure, mentor. I'll always be like a supporter for the films that he makes, for the stories he writes, and I'm hoping and I'm praying that he'll cast me in one of his films. In fact, Huma, it was really amazing because जब music launch हुआ था, मैं हैदराबाद में थी, मैं फंसी हुई थी and Huma went very sweetly, so she's really been, actually she's a big supporter. चलो पिक्चर दिखाओ, चलो पिक्चर दिखाओ. मैं अभी actually फैदराबाद से आई हूँ. अभी क्या आज क्या हुआ? हाँ. Listen please, मुझे actually मुझे सच्ची में पता है ना आज क्यों पूछ रहे हो. मुझे सच्ची में प्लीज़ जिस बात के बारे में मुझे पता नहीं है और मैंने देखा नहीं है, अगर किसी गर्ल के साथ कुछ गलत हुआ है और क्रिमिनल को सज़ा दी गई है then it's justice. But about what you're asking, I honestly don't know because I've been in a studio the whole day and I don't know what's been happening. I've just got a flight and come here. So please excuse me. Thank you. पर आप जाओ उससे पहले सुधीर जी के साथ एक और फिल्म कर रहे हो आप. Yes. उसके बारे में बता के जाना बनता है. Actually हाँ, I really feel honoured actually कि सुधीर sir has picked me to play somebody who's so close to him and who's so close to the entire industry. सब रेनू सलूजा के बारे में इतने प्यार से बात करते हैं और उनके दिल में इतना रिस्पेक्ट और लव है उनके लिए. And I think she's had an amazing life, an amazing career, and till today people like talk about her with so much warmth. And this is a story which is very close to Sudhir sir's heart, so I feel very honored to have been picked by him to play this amazing person. I hope that I can do justice to it. अभी देखिए कब बनती है, let's see. काफी मतलब process चाहिए पड़ेगा इसके लिए, जैसे बता रहे हैं जिस तरह उनकी life रही है. Yeah. It must be a really hard work. और मुझे हमें कई लोगों ने बताया कि ये सिर्फ आप ही कर सकती हैं. सुधीर सर ने कहा है? जी 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 जी. अच्छी बात है. I'm very happy. I take that like it's a very big task, and I'll have to work very hard. But वो सुधीर सर हमेशा मुश्किल ही देते हैं. मुझे मज़ा आता है actually. जब तक कोई मुझे ऐसे ना लगे कि अभी मैं ऐसे उलट के गिर जाऊंगी और जब तक कोई मुझे चैलेंज ना करे मुझे लगता है मैं काम नहीं कर रही. सो आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क रियली हार्ड एंड सॉर्ट ऑफ रियली पुश माई सेल्फ. मैं जस्ट हाँ थैंक यू. रेस्ट वेयर इज रेस्ट. आई एम वेरी हैप्पी नॉट टू टेक रेस्ट बट अभी मैं अंदर जा रही हूँ. हाँ हमेशा हमेशा. हाँ मैडम रखनी पड़ेगी आपको. मैं नहीं बता रही. सर वापस पूछ लो जल्दी जल्दी. ट्रेलर बहुत मूवी देखी नहीं है मैंने. मूवी का आज प्रीमियर है और आई एम वेरी एक्साइटेड. आई वॉच्ड many of Sudhir's films. I've also watched this particular story three times before, and this is going to be the fourth time. Das Dev is a. I'm really interested to see how Sudhir has set the story of Devdas. So very excited. Thank you. बोलिए. फिल्म से जुड़े जितने सवाल हैं पूछ लीजिए. ऋचा जी क्या कहना चाहेंगे दास देव के बारे में? फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है. वैसे तो बहुत सारे फिल्मों पे आपने काम किया है और रिलीज भी हुई है, लेकिन ये फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है और कितनी नर्वसनेस है फिल्म को लेकर? मैं भी पहली बार देखने जा रही हूँ पर मुझे पता है कि ये ऐसी फिल्म है दैट आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ. ऐसा क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है जितने भी लोगों ने देखी? बहुत अच्छी लगी उनको फिल्म, जिन्होंने भी देखी सबको अच्छी लगी फिल्म. सब ने हमें पर्सनली अप्रिशिएट किया एंड आई होप दैट इट ट्रांसलेट्स एट द बॉक्स ऑफिस एंड विद क्रिटिक्स ऑल्सो. इन फ्यूचर ऐसा कोई जॉनर है जिसमें अभी आई थिंक थ्रिलर करके देखना चाहूँगी. वैसे ये कुछ रोमांस तो है ही, पॉलिटिकल थ्रिलर भी है. ओके थैंक यू. पहली बार साथ में आप लोगों का फोटो मिल रहा है. बहुत है यार. Thank you. Thank you. So all the best for the. London. So I've been looking forward to watching this film for ages. So Devdas is always a great story, and I think Sudhir Mishra will do a really interesting interpretation. And it's got a lot of really interesting actors. So. Good evening to you. Good evening. And we were all waiting for you, like you come down and we start the show. And now I have to run in because I have to watch the show. Thank you for waiting for me, though. And like you have seen the previous Devdas, like this yes. Which has been your favorite? I liked the very first one with Dilip Kumar and Vijayanti Mala. I thought that was beautiful. Sanjay Leela Bhansali's was obviously very opulent. Anurag Kashyap's was like an acid trip. And now let's see what Sudhir Mishra's take on it is. Given a chance, क्या बनना पसंद करेंगे, पारो या चंद्रमुखी? चंद्रमुखी. सब चंद्रमुखी बनना चाहते हैं. Yeah. And who is your Devdas? Who's my Devdas? That would be telling, right? No choices for you. No choices for me. Who's my? You tell me. Who's my Devdas? Right. Well, in this one, it's Rahul Bhatt. So let's see what a good job he's done, right? Thank you so much, guys. Thank you. Yes, नमस्कार. अरे कैसे हैं आप? सर आपके प्रभाव से, कल के प्रभाव से अभी तक उभर ही नहीं पाए थे, आज इनका आयोजन हो गया सर. कल क्या प्रभाव था मेरा? परसों था आपका, एक दिन का मिस्टेक हो गया. कल ही था, कल ही तो ओपन हुआ तुम्हारा वो ट्रेलर. कल हुआ, अच्छा टीजर. हाँ कल हुआ. आप आए थे क्या? आप लोग सब आए थे सर. सुधीर जी के साथ काफ़ी आपका सानिध्य रहा है, आज उनका फिल्म का ये है, कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सुधीर जी तो दिल्ली से बम्बई आए थे हमारे कहने पर. जो काफ़ी वक्त हो गया, उतना कितना हुआ बताएंगे नहीं, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया. तो मैं इनकी पहली फिल्म थी सजाए मौत, उसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट था और मुझे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती थी 1000 रुपये की, नसीरुद्दीन शाह से ज़्यादा. 1000 रुपये महीने. हाँ, तो उस फिल्म से शुरुआत है मेरी. और मैंने कई बार इस दौरान माना है इस बात को. तो मैं बहुत खुश हूँ कि सुधीर की फिल्म रिलीज़ हो रही है. बहुत भागते भागते आए हूँ इनको आज विश करने के लिए यहाँ पे. एंड आई रियली विश हिम वेल एज ही नोज ऑलवेज. एब्सोल्युटली. ये जो काफ़ी समय से इस विषय पर जो फिल्में बनी है, उनको एक अपना अलग इन्होंने अपने दृष्टिकोण दिया है. आप उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए दृष्टिकोण जो होता है वो हमेशा डायरेक्टर का होता है. जो इनका विज़न है, इनकी हर फिल्म में आपको इनका ही विज़न नज़र आएगा. जैसे जो फिल्म हम बनाते हैं उसमें हमारा विज़न है, लेकिन इनका विज़न जो है, जब से मैं सजाए मौत से इनके साथ हूँ, खामोश में ये मेरे साथ थे, परिंदा में बहुत सालों से मेरे साथ हैं, तो मैं इनकी ग्रोथ देखता हूँ, इनका सिनेमा देखता हूँ, तो खुश होता हूँ कि एक दिन इनको दिल्ली में मिलके मैंने कहा था आ जाइए आप बम्बई. देखिए मैं तो यही भूल गया था कि कल था मेरा, आपने देखा ना, मैं कल टीजर रिलीज़ करके अगली फिल्म पे काम कर रहा था. मैं ज़्यादा ना लोगों की सराहना को सीरियसली लेता हूँ, ना उनके क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेता. मेरी वाइफ ही क्रिटिक है, तो मैं ये सीरियसली नहीं लेता. अपना काम अच्छे से करिए आप. सराहना हो तो बहुत अच्छा है, ना भी हो तो भी ठीक है, अगर आपने अच्छा काम किया. बात तो सबसे होगी ही भाई, पर आज हम सुधीर जी की बात करेंगे कि इनकी फिल्म जो है उसको बहुत मैं चाहता हूं कि आप सब लोग देखें. मैं भी देखने के लिए आया हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं. सुधीर मिश्रा की अगर आप बनाना चाहें तो? अरे फिर ये बोलेंगे मुझे फंसा दिए यहाँ लाके, ये जनरली इंटरव्यू देते नहीं अपने तो। अगर आप किन खानों की बायोपिक बनाना पसंद करेंगे? इस बायोपिक के बाद मैं कोई बायोपिक नहीं बनाने लगा भाई चाहे खान हो चाहे को हो, अब बहुत हो गया, एक बहुत है, ये बनाते बनाते जान निकल गई, बस हो गया। अब देख लीजिए एक बायोपिक हमने बना ली, बस अब मुन्ना भाई बनाएंगे, वो देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।